यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स और टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे अक्सर प्रश्न आ जाता है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये। किसी अभिक्रिया का वेग प्रयोग द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, यानी इस अभिक्रिया की जो कोटि है उसको प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी एक्सपेरिमेंटली, XPERI, डिटरमाइंड क्वांटिटी है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, प्रयोग द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग तथा सांद्रता में संबंध एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं, जिसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। आकलन वेग समीकरण ये क्या दर्शाता है? अभिक्रिया का वेग तथा सांद्रता में संबंध, या इसको वेग समीकरण भी कहते हैं, रेट इक्वेशन भी कहते हैं। या इसे रेट इक्वेशन भी कहते हैं। यदि अभिक्रिया वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता सी के, एक सांद्रता सी के प्रथम घात के समानुपाती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया कहा जाता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर, FIRST, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो गया? KC, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर KC। अभिक्रिया वेग का मान अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण में निरूपित उन समस्त अणुओं द्वारा निर्धारित होता है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान मापनीय परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए N2O5 का अपघटन पे हम विचार करें तो क्या होगा? ये ट्वाइस N2O5 ये हमको देता है 4NO2+ ऑक्सीजन। इक्वेशन को देख लें, इसके अपघटन पर विचार करें तो अभिक्रिया वेग इसका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? D N2O5/dt बराबर K N2O5, ये हो जाएगा इसका रेट एक्सप्रेशन, अभिक्रिया का वेग। रश्मिकरण मिति यानी स्टोइकोमेट्री के अनुसार इस अभिक्रिया में N2O5 के दो अणुओं की आवश्यकता होती है, किंतु इन अभिक्रिया का प्रायोगिक वेग N2O5 की सांद्रता के प्रथम घात पे निर्भर करता है, प्रथम घात के ऊपर निर्भर करता है। अतः N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, N2O5 के डिसोसिएशन पर हम थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि N2O5 ये पहले स्टेप में क्या बनाता है? N2O3+ O2, फिर N2O3 रिएक्ट करके
आपस में वो फास्ट रिएक्शन है, NO प्लस NO2 देता है, ये मैकेनिज्म है भाई N2O5 का। अब NO प्लस N2O5 ये देता है अपन को 3NO2। ये जो है ये स्लो पद है, धीमी गति का पद है, N2O5 डिसोसिएट होएगा, ये मैकेनिज्म समझा रहा हूं मैं N2O3 के अंदर और ऑक्सीजन में। अब जो N2O3 है ये तीव्र गति की अभिक्रिया है, स्टेप जो है तीव्र गति का है, ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा NO में और NO NO2 में। अब NO जो है रिएक्ट करता है N2O5 से, ये भी फास्ट पद है और ये देता है 3NO2। अब अपन इसको इक्वेशन को बैलेंस करो, NO से NO कटा, N2O3 से N2O3 कटा, तो यहाँ पे आ गया ट्वाइस N2O5 और ये हमको मिला तीन और एक चार, फोर NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये हमको मिला। ये स्पष्ट है कि रश्मिकरण मिति के अनुसार N2O5 के दो अणुओं की आवश्यकता होती है, किंतु वेग उसकी सांद्रता के प्रथम घात के ऊपर निर्भर करता है, अतः हम कह सकते हैं कि N2O5 की अभिक्रिया की कोटि एक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अतः हम कह सकते हैं कि N2O5 की अभिक्रिया की कोटि एक है, अतः जितने अणुओं की सांद्रता पर वेग निर्भर करता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेग व्यंजक क्या हुआ, रेट एक्सप्रेशन, ये वेग व्यंजक कहलाता है, ये वेग व्यंजक कहलाएगा, ये वाला पॉइंट इक्वेशन। वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता का जितना घात होता है वही उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि होती है, अतः किसी अभिक्रिया के लिए कुल अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की सांद्रता के घात के योग के तुल्य होती है। किसी भी अभिक्रिया की कोटि बिना प्रयोग किए नहीं बताई जा सकती, यानी ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, वैल्यू है, बिना एक्सपेरिमेंट के हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम मैकेनिज्म ज्ञात नहीं कर पाएंगे उस रिएक्शन का, तो अभिक्रिया की कोटि को भी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। कोई भी अभिक्रिया अनेक पदों में होती है और जो धीमी गति वाला पद होता है वही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। जैसे भी आपने मैकेनिज्म में देखा N2O5 जो धीमी गति वाला पद है उसमें एक ही मोल काम में आ रहा था N2O5 का, तो जो धीमी गति वाले पद हैं वही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करते हैं। तो ये कुछ एक बात होगी अभिक्रिया की कोटि के बारे में।